हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकंड लेवल की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9th के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन में आज मैं बात करने जा रही हूँ माइटोसिस इस सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, हमने देखा है, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसमें हमें दिखाई दिया है कि माइटोसिस के चार फेजेस के नाम हमें दिए गए हैं और पूछा है आइडेंटिफाई करो। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज माइटोसिस और उसके डिटेल्स। शुरू से बात करें सेल डिवीजन की, तो हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस। हम शुरू में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हुआ करते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, 9th स्टैंडर्ड में जाते हैं, डॉक्टर होमी बाबा की एग्जाम को अपियर करते हैं। मज़े की बात छोड़ो, तो हमारी सोमैटिक सेल्स में और स्टेम सेल्स में जो सेल डिवीजन होती है वो होती है माइटोसिस, जिसकी वजह से हम बड़े होते हैं। आर यू गेटिंग? सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी की हर एक सेल, और स्टेम सेल मतलब वो सेल्स जो हर तरीके की सेल फॉर्म कर सकती है। ठीक है, फिर दूसरी तरीके की मियोसिस नाम के सेल डिवीजन जो होती है वो होती है जर्म लाइन सेल्स में। मतलब ह्यूमन की बात करो तो फीमेल में इसकी मदद से ओवम तैयार हो जाता है और मेल में स्पर्म तैयार हो जाता है। ठीक है, सो जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है हर एक सेल में, बॉडी की हर एक सेल में अपार्ट फ्रॉम जर्म लाइन सेल। ठीक है, अब देखो माइटोसिस दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहला है कैरियोकाइनेसिस। कैरियन, ये वर्ड्स आप जानते हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने पढ़ा हुआ है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, इसके चार फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बस ये बात आपको याद रखनी है, इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है। ठीक है, दूसरी ये है स्टेज है उसकी साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दिखाई देती है जो साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर देखो इस तरीके की इमेज हमें दी जा सकती है, जैसे हमने देखा था ये इमेज जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। जैसे हमने बात की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चार फेजेस में माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस हो जाती है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, राइट। शुरू में यहाँ पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, वो हमें दिखाई देने की तरह उनका भी फॉर्म आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज ये इसी एक थ्रेड की तरह पड़े रहते हैं। फिर देखो इन बिटवीन, बीच में ये क्रोमोसोम्स जमा हो जाते हैं इक्वेटर पर हम कह सकते हैं, तो इसको मेटाफेज कहा जाता है। ऐसी अगर इमेज है सारे क्रोमोसोम आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं तो मेटाफेज लेबल कर देना। एनाफेज में अभी ये क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, एक तरफ आधे और एक तरफ आधे चले जाते हैं, दैट इज एनाफेज। और टेलोफेज में अभी ये सेपरेशन कंप्लीट हुआ, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना, न्यूक्लियोलस का फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस जब होती है तब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। ये क्या हो गई, ये न्यूक्लियर डिवीजन हो गई। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आगे चल के होगी तो तब आपको दो सेल दिखाई देंगे, राइट। तो इस तरीके से माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल और स्टेम सेल्स में, याद रखना। ठीक है, तो चलो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपको भी लग रहा है कि इस टॉपिक पर आप एक्सप्लेन करो मैम, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो और मुझे जो भी सूझ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।